हेलो फ्रेंड्स, आज की मेरी डिश है बिहार स्पेशल खासता ठेकुआ, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी होता है। जो आप बाज़ार से कुकीज़ वगैरह खरीद के खाते हैं ना, उसे कई गुना ज़्यादा ये हेल्दी होता है और महीनों टिक जाता है। चलिए इसे बनाते कैसे देखते हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ गेहूँ का आटा 1 कप, और उसमें साथ में डाल देते हैं 1/4 कप रवा सूजी। इससे जो हम ठेकुआ बनाते हैं ना, उसमें बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनता है, बन के तैयार होता है जब आप ये सूजी इसमें मिला देते हैं तो। बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना है। और ये रहा डेसिकेटेड कोकोनट, मतलब नारियल का जो चूरा होता है वो। और साथ में डाल देते हैं चीनी, 3/4 कप चीनी यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आप कम खाना चाहते हैं तो इसमें कम डालिए, थोड़ा सा ये बच गया है। और साथ में मैं डाल देती हूँ घी। घी हम डालेंगे 3 बड़े चम्मच, जैसे जैसे हमें ज़रूरत होगी वैसे वैसे हम घी इसमें मिलाते जाएंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है आटे के अंदर, जो भी हमने ड्राई इंग्रेडिएंट डाले हैं। देखिए अभी अच्छे से नहीं बाइंड हो रहा है, इसका मतलब इसमें थोड़ा सा घी और चाहिए। तो इसमें ये घी डाल देते हैं 1 बड़ा चम्मच, और मतलब 3 बड़े चम्मच यहाँ पर मैंने घी का यूज़ किया है। चाहे तो आप मेल्टेड घी डालें या ऐसे जमा हुआ घी, दोनों ही डाल सकते हैं। दोनों से बहुत ही अच्छा ठेकुआ बनकर तैयार होता है, एकदम से खस्ता बनकर तैयार होता है। और ये देखिए अब बिल्कुल अच्छे से ये बाइंड हो रहा है। इसमें डाल देते हैं इलायची कुटा हुआ, और जो चीनी थोड़ा सा बच गया था वो भी मैंने इसमें मिला दिया है। मतलब टोटल मैंने यहाँ 3/4 कप चीनी डाला है। और इन सबको अच्छे से हम आटे के अंदर बिल्कुल मैश कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, ताकि हमारा जो ठेकुआ है वो बहुत अच्छा बनकर तैयार हो। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक डो बना लेते हैं। बहुत ज़्यादा सख्त ऐसा नहीं बनाना है, बस हल्का सा ऐसा दरदरा सा इसको बनाकर तैयार कर लेना है। जैसे आटे के लिए हम डो बनाते हैं वैसा नहीं बनाना है, कुछ इस तरीके से बनाकर तैयार करना है। और अब इसके बॉल्स बनाकर तैयार कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। बहुत ज़्यादा बड़े बॉल्स ना बनाएं, इस टाइप के ही मीडियम बॉल्स बनाएं, ताकि वो बहुत ज़्यादा पकने में टाइम लगाता है ये ठेकुआ। तो आप छोटे बनाएंगे, मीडियम साइज़ के बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगाएगा। और देखिए इस तरह से इसको फ्लैट कर लेंगे। चाहे तो आप इसको ऐसे ही तल सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको शेप दे दें। यहाँ पे मेरे पास ये साँचा है इसका, तो मैं इससे ही इसमें एक डिज़ाइन बना दूँगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से ऐसे करके इस पर रखते जाएंगे और ये डिज़ाइन बनकर तैयार होता जाएगा। बहुत ही सुंदर बनकर तैयार होता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे भी बना सकते हैं। हर किसी के घर में फोर्क होता है, तो जो ये फोर्क है इससे हम कुछ इस तरीके से इस पर डिज़ाइन बनाएंगे, और ये भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है देखने में। ये देखिए डिज़ाइन बनकर तैयार है। एक और मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसे बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है और बहुत पतला भी नहीं रखना है, कुछ एकदम मीडियम साइज़ में आप इसको बनाकर तैयार कर ले। और देखिए बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया। और ऐसे ही करके मैंने यहाँ पे सारे डिज़ाइंस बनाकर तैयार कर लिए, मतलब ठेकुआ बनाकर तैयार कर लिया है। और यहाँ पे मैंने घी और रिफाइंड ऑयल दोनों को मिक्स कर गर्म किया है। मैंने थोड़ा सा एक बॉल डालकर देखा है, चेक किया इसको कि ये फट तो नहीं रहा है, तो ये बिल्कुल फट नहीं रहा है। तो अब सारे जो भी मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं ठेकुआ, उसको इसमें डाल देती हूँ कढ़ाई के अंदर। और अभी फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम पे ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको फ्लेम पे नहीं पकाना है, फ्राई करना है, नहीं तो ये जल जाएगा। तो अभी लो टू मीडियम पे ही रख के इसको फ्राई करेंगे। और अब इसको पलटेंगे, नहीं तो अगर आप तुरंत पलट देंगे तो ये टूटने लग जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा खस्ता होता है ये ठेकुआ और तेल में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी होता है। तो इसे करीब 3 से 4 मिनट के बाद ही पलटें, जब ये बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा तब। और देखिए कितना बढ़िया इस पे कलर आने लग गया है। और इसे ऐसे ही अलट पलट कर, बिल्कुल फ्लेम को हाई पे नहीं करना है आपको, लो टू मीडियम पे ही इसे आपको फ्राई करना है। थोड़ा टाइम लगता है इसको फ्राई करने में, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होता है। और जो ये ठेकुआ है ये पूरी तरह से फ्राई होकर तैयार हो गया है। तो मैं इसे कढ़ाई के बाहर निकाल लेती हूँ एक एक करके। देखिए वाओ, बहुत ही बढ़िया कलर आया है इस ठेकुआ पर। आप इसको बनाकर और एयर टाइट कंटेनर में इसको भरकर रख देंगे, ये महीनों चल जाता है। और बिल्कुल स्वाद जो होता है इसका बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और टेस्टी होता है।
ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा एक स्वीट डिश है, हेल्दी डिश है। तो इस तरीके से आप घर में इसको बना कर रख लीजिए, और ये बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। कुकीज़ वगैरह तो मैदा से भी बनता है, लेकिन ये जो ठेकुआ है ये शुद्ध आटा से भी आप घर में बना सकते हैं। चाहे तो आप इसमें मैदा भी मिला सकते हैं, लेकिन आटा से भी जब आप गेहूं के आटे से बनाएंगे ना इसे, तो भी ये उतना ही टेस्टी बनकर तैयार होता है और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होता है। तो दूसरा बैच भी मैंने इस तरह से फ्राई करके निकाल लिया है, और ये देखिए बनके तैयार है ये स्पेशल सा ठेकुआ, जो कि आप आटे का बिस्किट भी इसे कह सकते हैं। देखिए ये कितना बढ़िया और क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। अब आपको मैं तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर से भी ये कितना क्रिस्पी है और कितना खस्ता बनकर तैयार हुआ है। इसकी आवाज़ सुनिए आप। तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को, और कैसी लगी ये रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।